कात्यायनी माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उसके पुत्र ऋषि कात्यायन हुए। इन्हीं कात्यायन के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्म विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और वास्भर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्कर में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्कर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्कर में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग शोक संताप अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सत्रिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः इस समय सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी हमारा लाभ मिले।